जनवरी 1597 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह का राज तिलक मेवाड़ की राजधानी चावंड में संपन्न हुआ था। राज तिलक के समय महाराणा अमर सिंह की आयु 37 वर्ष थी। पिछली कई पीढ़ियों से मेवाड़ में उत्तराधिकार संघर्ष चला आ रहा था, जो महाराणा अमर सिंह जी के राज्याभिषेक के समय नहीं हुआ। उनके किसी भी भाई ने गद्दी का कोई दावा नहीं किया। महाराणा अमर सिंह जी के राज्याभिषेक के बारे में राणा रासो ग्रंथ में लिखा है कि पृथ्वीपति राजराजेश्वर महाराणा अमर सिंह जी के सिंहासन रूढ़ होने पर हिंदुओं के हृदय में सुख हुआ और यवन कांप उठे। यवनों के घरों में दुख ने स्थान जमा लिया था। धरती पुनः सुख और प्रसन्नता का अनुभव करने लगी थी। उनके राजतिलक के समय चित्तौड़ व मांडलगढ़ को छोड़कर सह समस्त मेवाड़ पर मेवाड़ी पताका पहरा रही थी। 1582 ईस्वी में शुरू हुए विजय अभियान के बाद मेवाड़ ने किसी पराजय का सामना नहीं किया था। 1588 ईस्वी से 1597 ईस्वी तक तो कोई भी बड़ी लड़ाई भी नहीं हुई थी। इस समय काल का महाराणा प्रताप सिंह जी ने सदुपयोग किया और मेवाड़ को हर दृष्टि से सुदृढ़ कर दिया। मुगल थानों पर आक्रमण, सूरत की मुगल छावनी पर आक्रमण व मालवा आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ी फौजों के दावों से धन सम्पदा भी अच्छी मात्रा में हाथ लगी थी। इसका नतीजा यह हुआ कि महाराणा अमर सिंह के राज्याभिषेक के समय मेवाड़ की सेना में सैकड़ों हाथी, 16,000 घुड़सवार व 40,000 पैदल सिपाही हो गए। महाराणा अमर सिंह ने अपनी फौज का बेहतर संचालन किया। मेवाड़ के थानों में जगह जगह आवश्यक फौजें तैनात की गई। ग्रंथवीर विनोद में लिखा है कि महाराणा अमर सिंह ने गद्दी पर बैठने के वक्त से ही तलवार से लड़ने के सिवाय दूसरे सब काम मुलतवी रखे। वीर विनोद का यह कथन उचित नहीं है, क्योंकि महाराणा अमर सिंह गद्दी पर बैठते ही मुगलों पर बिना विचारे नहीं टूट पड़े थे। उन्होंने मुगलों से होने वाले युद्धों से पहले कई आवश्यक कार्य संपन्न किए थे। महाराणा अमर सिंह द्वारा राजगद्दी पर बैठने के बाद मेवाड़ के कुछ किलों व थानों, उदयपुर के राजमहल आदि को सुदृढ़ बनाया गया। महाराणा अमर सिंह ने कुंभलगढ़ क्षेत्र में कुछ उजड़े हुए कस्बे और सायरा नामक गांव फिर से बसाए। महाराणा ने जहाजपुर क्षेत्र में अपने नाम से अमरगढ़ दुर्ग बनवाया, जो कि पूर्व में शाही प्रदेश के निकट पड़ता था। जैसी तैयारियां चल रही थी, उससे लग रहा था कि महाराणा अमर सिंह केवल सुरक्षात्मक ही नहीं आक्रामक नीति भी अपनाने वाले हैं। महाराणा अमर सिंह ने सामंतों की दो श्रेणियां बनाई, उमराव और सरदार। महाराणा अमर सिंह जी ने यह परंपरा तोड़ दी कि एक सामंत की जागीर सदा उसी की रहेगी। जागीरें वंश परंपरा के अनुसार न देकर सामंतों के दायित्व के अनुसार दी गई। ऐसे मौके भी आए जब किसी एक सामंत के देहांत के बाद या उसके द्वारा उचित कार्य न करने के कारण वह जागीर उसके उत्तराधिकारी को न देकर किसी अन्य योग्य सामंत को दी गई। मेवाड़ के बेगू, रतनगढ़, बेदला, देलवाड़ा, बदनौर आदि ऐसे ठिकाने थे जो महाराणा अमर सिंह ने एक सामंत से लेकर दूसरे सामंत को कई बार दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि सामंत अपने स्वामी के प्रति अधिक आश्रित हुए और सेवा की भावना को बल मिला। सामंतों को लगने लगा कि दायित्वहीनता का परिणाम जागीर में क्षति हो सकता है। महाराणा अमर सिंह जी ने बाहर से नए हथियार आदि भी खरीदे थे और स्थानीय तौर पर जो हथियार बन सकते थे वो मेवाड़ में ही बनवाए गए। महाराणा जी ने गोंडवाड़ व मुल्तान से कुछ तोपचियों को भी बुलवाया। महाराणा अमर सिंह जी ने हरिदास झाला को प्रधान सेनापति नियुक्त किया तथा भीलों से अच्छा व्यवहार बनाए रखा। भीलों ने महाराणा अमर सिंह का उसी प्रकार साथ दिया जिस प्रकार से महाराणा प्रताप सिंह जी का साथ दिया था। महाराणा अमर सिंह के समय पानौरा ठिकाने के राणा पुंजावर्द हो चुके थे, इसलिए भील सेना का नेतृत्व राणा पुंजा के पुत्र राणा रामा ने किया। महाराणा अमर सिंह जी ने भूमि बंदोबस्त पर भी ध्यान दिया। कृषि भूमि का प्रबंध फिर से कराकर नई दरों पर लगान निर्धारित किया गया। महाराणा अमर सिंह जी ने दरबारी परंपरा और वेशभूषा में भी बदलाव किए। उन्होंने अपने नाम से एक विशेष पगड़ी प्रचलित की, जो अमरशाही पगड़ी के नाम से जानी गई और पीढ़ियों तक इस तरह की पगड़ी पहनी गई। हालांकि जो सामंत मेवाड़ के बाहर से आए हुए थे, उन्हें अपनी इच्छा से पगड़ी पहनने की छूट दी गई थी। महाराणा अमर सिंह ने विद्वानों को आश्रय देने में कोई कमी न रखी। महाराणा की छत्रछाया में रहते हुए पंडित जीवधर ने अमरसार नामक ग्रंथ लिखा। महाराणा अमर सिंह जी ने ज्योतिष शास्त्र से संबंधित अमरभूषण ग्रंथ भी लिखवाया। महाराणा प्रताप सिंह जी के समकालीन प्रकांड विद्वान पंडित शक्करपाणि मिश्र के पुत्र कल्याण मिश्र को महाराणा अमर सिंह ने अपना विश्वास पात्र बनाया। दोस्तों, अदम्य वीर महाराणा अमर सिंह जी के इतिहास से जुड़ा यह चौथा भाग आपको कैसा लगा, कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंथ फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।